हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में। यह पुरुषों में होने वाली सभी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। इसमें है सतावरी, अश्वगंधा, श्वेत मूसली, काली मूसली, गोखरू, कोंच बीज, बिदारी कंद, बीजबंध, पंचलोचन, कबाब चिन्नी, चोप चिन्नी, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, सालम मिश्री। इन सभी द्रव्यों को मिलाकर धातु पौष्टिक चूर्ण को तैयार किया जाता है। ये हो गए इसके सभी इंग्रेडिएंट्स। अब अगर इसके फायदों के बारे में बात करें, धातु पौष्टिक यानी कि नाम से ही जैसे पता चल रहा है, धातुओं को पोषण प्रदान करने वाला, तो यह शरीर की समस्त धातुएं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सभी धातुओं को नरिश करने का काम करता है और साथ ही इन्हें बल प्रदान करता है। यह बहुत ही पौष्टिक चूर्ण होता है। अगर शरीर में किसी भी कारण से किसी भी तरह की कमजोरी आई है तो उसको भी यह दूर करने का काम करता है और शरीर में शक्ति और स्फूर्ति लाता है। जिन पुरुषों में शुक्र धातु से संबंधित समस्याएं रहती हैं, जैसे कि शुक्र धातु का बहुत कम मात्रा में बनना या फिर बहुत ज्यादा पतला होना या फिर मैच्योर इजेकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स में, अगर आधा से एक चम्मच की मात्रा में गाय के दूध के साथ अगर इसका सुबह शाम सेवन करते हैं तो इसके अद्भुत फायदे देखने को मिलते हैं। आजकल युवाओं में नाइटफॉल जैसी समस्या है वो कॉमन हो चुकी है। ऐसे में शरीर में कमजोरी तो आती ही है, साथ ही साथ और भी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। ऐसी समस्याओं में धातु पौष्टिक चूर्ण है वो चमत्कारिक फायदे दिखाता है और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाता है। जिन लोगों को शरीर में किसी भी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस हो, उन लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर इसके सेवन विधि के बारे में बात करें, इसको आप आधा से एक चम्मच की मात्रा में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम गाय के दूध के साथ आपको खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। इसको सेवन करते समय किन किन बातों की आपको सावधानी बरतनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों को मंदाग्नि होती है, मंदाग्नि यानी कि उनको भूख कम लगती है या फिर जिनको खाया हुआ पचता नहीं है, जिसकी अग्नि मंद होती है, लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही पौष्टिक होता है और देर से पचता है। इसके सेवन से पहले आपको अपने डाइजेशन को ठीक करना चाहिए और उसके बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।